साहब के निर्देशानुसार टोंक जिले में टॉप 10 जो वांछित और सक्रिय अपराधी है उनके धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हमने ज़िला लेवल पर एक विशेष टीम का गठन किया है जिसमें संबंधित थाने के मेंबर्स हैं, DST के मेंबर्स हैं और साइबर सेल जो हमारी ज़िले लेवल की साइबर सेल है उनके भी मेंबर्स हैं। इसी अभियान के अंतर्गत अभी हमने पिछले कुछ दिनों में 3 वांछित अपराधियों को अरेस्ट किया है। इसमें जो पहला वांछित अपराधी है उसका नाम है राजेंद्र उर्फ राजेश उर्फ टर्डा। ये बहुत ही शातिर और आदतन अपराधी है और इसके विरुद्ध राज्य के अलग अलग ज़िलों में 2 दर्जन से अधिक चोरी, नकबजनी, लूट और आर्म्स एक्ट के केसेस दर्ज है। ये अपने राज्य के टॉप 25 जो वांछित अपराधी है उनकी श्रेणी में ये रखा गया है और हमारे ज़िले लेवल का भी ये 5,000 का इनामी है। और इसके खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में जैसे टोंक में डिग्गी, महेंद्रवास और मालपुरा में और जयपुर में दूदू थाने का ये स्थायी वारंटी भी है। साथ ही साथ इसे माननीय न्यायालय के द्वारा 299 CRPC के अंदर भगौड़ा भी घोषित किया हुआ है। टर्डा के अलावा टर्डा से फिर हमने जो अभी प्रारंभिक जो पूछताछ की है उसमें इसने अभी 4 वारदातों में अपना इन्वॉल्वमेंट बताया है जिसमें एक आर्म्स एक्ट का केस है, 2 नकबजनी के केसेस हैं और एक 308 का मुकदमा है। बाकी और हम इसे पुलिस कस्टडी में लेंगे और पूछताछ करेंगे तो संभावना है कि और भी वारदातों का खुलासा हो। टर्डा के अलावा दूसरा जो इनामी अपराधी जो हमने गिरफ्तार किया है उसका नाम शाहिद है। ये दत्वास थाने का है, रहने वाला है और इसके खिलाफ अपने निवाई थाने में 6 स्थायी वारंटी पेंडिंग है। इसके विरुद्ध भी राज्य के अलग अलग ज़िलों में करीब 26 प्रकरण दर्ज है चोरी के, नकबजनी के, आर्म्स एक्ट के। ये हमारे ज़िले का 3,000 रुपये का इनामी है। इन दोनों के अलावा हमने एक और जो हमारा वांछित अपराधी है आमिर मेव, ये अपने सदर टाउन का रहने वाला है और ये बरौनी में 2022 में एक डकैती हुई थी उसमें यह वांछित चल रहा था। ये वृत्त स्तर का ये टॉप 10 वांछित अपराधियों में इसका नाम है और इसको हमने गिरफ्तार किया है। किस तरह वारदातों को अंजाम देते थे ये? अभी तो गिरफ्तार किया है, अभी इनको हम पुलिस कस्टडी में लेंगे। जैसा मैंने बताया कि टर्डा से जो प्रारंभिक पूछताछ में 4 वारदातों में इसका इन्वॉल्वमेंट आया है, बाकी दोनों को भी हम पुलिस कस्टडी में लेकर अभी डिटेल में इनसे पूछताछ करेंगे और इनका क्या MO रहा है इनके साथ और कौन कौन इनके साथ ही इन्वॉल्व रहे हैं इन वारदातों में, इनकी और क्या प्लानिंग चल रही है।